ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਈ ਮਿਕਸ ਵੈਜ। ਮਿਕਸ ਵੈਜ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਚ ਗੋਭੀ, ਮਟਰ, ਗਾਜਰਾਂ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਭਰਮਾ ਕਰੇਲਾ। ਭਰਮਾ ਕਰੇਲਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਵੈਸੇ 2-4 ਪੀਸ ਹੀ ਬਚੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਖਾ ਕੇ ਲਏ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਮਾਂਡ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਭਰਮਾ ਕਰੇਲਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਕਟਹਲ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਕਟਹਲ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਯੂਨੀਕ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਟਹਲ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਢਾਬੇ ਤੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਸਟਮਰ ਇਹਦੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਪਲਾਉ ਆ ਜੀ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਪਲਾਉ ਟਾਈਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਲਾਉ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮਟਰ, ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਗੋਭੀ ਵਗੈਰਾ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ये देख रहे हैं जी आप, एक सोना सरदार, ये है उनका काम और साथ में उनकी कार। यहाँ पे ये क्या सेल करते हैं, आइए अभी इनके साथ बात करते हैं और देखते हैं इनके पास क्या क्या है। सत श्री अकाल वीर जी। सत श्री अकाल जी। सबसे पहले तो शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। तो हमें ये बताइए सर, क्या क्या यहाँ पे आप सेल कर रहे हो? सर इतने मतलब तकरीबन सानू 5 महीने हो गए। गोभी, मटर, गाजरां, होर मतलब सब्जियां जिवें फलियां हुंदियां जी, पनीर अपना जिहड़ा पाया हुंदा कट के। ठीक है जी। ते इह आ गए अपने राजमा। इह आ गए जी राजमा, क्या बात है राजमा। ठीक है जी। चावल पलाओ है जी, है ना? पलाओ टाइप बनाया। गोभी वगैरा पाई अपने। ठीक है जी। अपना अचार है जी, मिर्च दा, अदरक, मतलब गाजर, अंबला वगैरह सारा मिक्स ही हुंदा। ठीक है जी। ये अपनी हांजी चटनी आ गई, हरी चटनी। हाँ जी, यानी पुदीने दी चटनी। नहीं मतलब ये च धनिया, पालक, अदरक, लहसुन, मतलब काफी कुछ असीं जिहड़ा मिक्स करके, पुदीना भी हल्का जिहा मतलब विच पाया हुंदा फ्लेवर लई। ठीक है जी। सारा कुछ मिक्स करके बनाउंदे हुंदे। सारा गर्म करके देने वाला कंसेप्ट। हां जी हां जी, ये मतलब मिक्स वेज ते गर्म करदे आ, बाकी सारी सब्जियां सी इत्थे नाल दी नाल मतलब गर्म करके सर्व कर देंगे। चार रोटियां साथ। ये हैगा वीर जी अपना भरमा करेला। भरमा करेला जी? हां जी हां जी। ये तकरीबन वैसे 2-4 पीस ही बचे, असि काफी खा के ले। नहीं ठीक है जी, जरूर डिमांड वालीयां चीजां ने ये। हां जी हां। ये भरमा करेला। भरमा हाँ जी, ये दो चीजां जिवें कटल हो गया, करेला हो गया ना, ये सच दे विच ही किसी होटल वगैरह ते थानू नॉर्मली नहीं मिलूगा। बहुत वधिया तुसीं वीर जी, जिवें करेले दे नाल नाल अगे भिंडी भी लाए असी भर के, इत्थे मिर्च भी लियांदी असी भर के, ते उहदे नाल नाल जिवें छोटी बैंगनी हुंदी आ उह भर के लियांदी आ। चलो काफी चीजां असी लियांदे रहिंदे आ डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट चीजां लैके आउंदे रहिंदे। हाँ जी। इस तों इलावा अपने कोल जिवें फुलका हुंदा कणक दा, इह फुलका कणक दा जी। हाँ जी। इहदे नाल नाल आपां लियांदे आ मिस्सी रोटी, जिहड़ी कि इहदे च मेथे पाए हुंदे आ। अच्छा जी, मिस्सी रोटी आ गई। जानी हर चीज होंदी आ। ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਓਰ ਮੱਕੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਮਤਲਬ ਸੀਜ਼ਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਗਰਮੀ ਆ ਰਹੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਸਟਮਰ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਦੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਜਾਈਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਖਾਣਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਿਆ ਹੀ ਜਾਈਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀ ਪਨੀਰ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਾਹੀ ਪਨੀਰ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਟਹਲ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਆ ਜੀ? ਕਟਹਲ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ। ਕਟਹਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਟਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਟਹਲ ਆ ਕਿਤੇ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੇਖੀ ਆ ਕਟਹਲ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਡੇਲੀ ਮੈਨਿਊ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣਾ ਮੈਨਿਊ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਟਹਲ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਰਕੇ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਇਦਾਂ ਡੇਲੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਟਹਲ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਹੀ ਪਨੀਰ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਹੀ ਪਨੀਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ ਹਫਤੇ 'ਚ 2-3 ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹੀ ਪਨੀਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ।
ये सर आपने रेट क्या रखा है पूरा प्लेट का या चावल वगैरह का क्या रेट वगैरह चल रहा है? सर चावल राजमा चावल या कढ़ी चावल फुल प्लेट साड़ी 70 दी या 70 दी। अच्छा जी। हाफ प्लेट साड़ी 50। ठीक है जी। कढ़ी चावल वगैरह? कढ़ी चावल राजमा। ठीक है जी। और साग मक्की की रोटी? वो 80 रुपए है, 80 रुपए प्लेट। ठीक है जी, 80 रुपए। और जैसे जो दूसरा कटल वगैरह जो आपने बताया शाही पनीर, एक सब्जी कोई भी ले लो 80 रुपए रेट है, नाल चार फुलके होंगे कणक। ठीक है जी। एक सब्जी चार फुलके 80 रुपए रेट है जी। कोई भी सब्जी, कोई भी सब्जी ले लो। ठीक है जी। तो लास्ट में सर आप अपनी टाइमिंग प्लीज बता दीजिए। साड़ी टाइमिंग है जी जी, असं तकरीबन सवेरे 12 बजे 11:30-12 बजे इतने आ जाने। ठीक है जी। शाम 4:30 बजे तक तकरीबन। शाम 4:30 बजे तक। और लोकेशन क्या है? लोकेशन साड़ी फिरोजपुर रोड ग्रैंड वॉक मॉल के नाल ही BRS बाईपास जाता। ग्रैंड वॉक मॉल के साथ BRS बाईपास जा रहा है ना? हाँ जी। सेकंड हार्ट स्कूल के बिल्कुल ऑपोजिट खड़े हैं। सेकंड हार्ट स्कूल के बिल्कुल ऑपोजिट। ठीक है जी।